घटना मादा जनपद अंतर्गत गिरवा थाना क्षेत्र के मणिपुर गांव की राजधानी पत्नी राज बहादुर के घर को आग लगाकर घर से बेदखल करने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर आग लगाने वाले गिरोह ने लाठी डंडे व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। राजरानी ने बताया कि राधे गुप्ता ने मेरे पैर पर डंडा मारा जिससे मैं गिर गई, तो दुर्गा गुप्ता ने मेरी साड़ी उठाकर प्राइवेट पार्ट में लाठी से चोट करने लगा, जिसको लेकर लड़की सीमा ने आकर के अलग किया और हाथ पैर जोड़े। तब सभी माँ बेटी दोनों को गाली देते हुए जाति सूचक शब्दों को कहते हुए चले गए, जिसके सूचना गिरवा थाना पर भी किया गया, परंतु पुलिस ने सुना नहीं, यहाँ तक कि प्रार्थना पत्र तक नहीं दिया। अब न्याय की मांग करती पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर सूखी आंखों से देखती मिली। अब देखना है कि क्या इस बेसहारा को न्याय कब मिलता है। क्या नाम दाई तुम्हारा? राजरानी। कहाँ की रहने वाली हो? मणिपुर। ये कहाँ पड़ता है? गेरवा थाने के लगे, बड़ोखर के लगे। अच्छा, यहाँ क्यों आई हो? यहाँ एप्लीकेशन दे आई हूँ। किस बात की? मारपीट करते हैं, घर से निकाल दी नहीं, आग लगा दी नहीं, सब पर हमार छाँव नहीं दिए। किसने आग लगा दिया है? राज बहादुर के घर। किसने लगा दिया है आग? बनिया। कहाँ नाम है? राधे। और राधे और दुर्गा और मैंने लगाया है, वह बद्री लगाया है, राधे गुप्ता ने माचिस दे के उसको उससे लगवा दिया। तुम कौन हो? मैं सीमा हूँ। इनकी कौन हो? लड़की। जो कह रही सही कह रही हैं जी? हाँ।